हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक महिला पुलिस अधिकारी का अधर्म सामने आया, जिसे शर्मनाक कहना भी शायद काफी नहीं होगा। अपने वर्दी के हलक में डीएसपी तान्या सिंह ने अपने मुंह बोले भाई गुरमीत सिंह को अपने सरकारी आवास पर बुलाकर थर्ड डिग्री दिया। इतना ही नहीं, तान्या के पति समेत कई अन्य लोगों ने भी उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया। अब ये थर्ड डिग्री देना डीसी को इतना महंगा पड़ गया कि उनके खिलाफ न सिर्फ आपराधिक मामला दर्ज हुआ बल्कि पुलिस विभाग के डीजीपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्हें सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं। पानीपत में पहली बार 1,000 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी घोटाला सामने आया है। फर्जी बिलों की खरीदारी के चलते लगभग कई हजार करोड़ का सरकारी टैक्स चोरी किया गया, जिसमें 20 से ज्यादा फर्जी कंपनियां फर्जी बिलिंग कर रही थी, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और कई बड़ी गिरफ्तारियां होना बाकी है। ये घोटाला कई हजार करोड़ का हो सकता है, जिसकी लगातार जांच चल रही है। इस मामले में जीएसटी कमिश्नर ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट अजय सिंगला ने कहा कि यह जाल पूरे भारत में फैला हुआ है। खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन सच्ची तस्वीर कुछ और ही है। टोहाना से कैसे खबर सामने आई जो खेल मंत्री के सारे दावे फेल करती है। दरअसल पटला के खेल स्टेडियम में किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि खेल स्टेडियम में पशुओं को चराया जा रहा है, जिसे लेकर खिलाड़ी कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया। कैथल के लघु सचिवालय के सभागार में डीसी के आदेश पर नगर परिषद हाउस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सीटीएम प्रदीप देशवाल की कार्यप्रणाली से नाराज पार्षदों ने सीटीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला इतना बढ़ गया कि पार्षदों ने सीटीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। नाराज पार्षदों ने हाउस की मीटिंग का बहिष्कार कर दिया और अपनी समस्या को लेकर डीसी के दरबार पहुंचे। इतना ही नहीं, नाराज पार्षदों ने शिकायत डीसी को सौंपी और सीटीएम के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की बात कही। प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि कानून को ताक पर रखकर सरेआम लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मामला पानीपत का, जहां बदमाशों ने रोहतक हाईवे पर मयूर विश्राम भंडार में गन पॉइंट पर लूटपाट की और हवाई फायरिंग करते हुए कानून को अपने हाथ में लिया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की सूचना मिलते ही हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के खोल बरामद किए हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। लगातार 2 दिन की बढ़त के बाद बुधवार को शेयर बाजारों की शुरुआत कमजोर रही। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 39,808.57 पर था, जबकि निफ्टी 45.10 अंक गिर कर 11,920.50 पर पहुंच गया। गिरने वाले शेयरों में येस बैंक, SBI, इंडिया बुल्स, ONGC, जे एंटरटेनमेंट, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस शामिल रहे, जबकि DHFL, JSW स्टील, टाटा स्टील, स्टरलाइट टेक, मदरसन, सुमी, ITC और एशियन पेंट्स जैसे शेयर शामिल रहे। वर्ल्ड कप के 17वें मैच में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमें आज आमने सामने होंगी। टॉन्टन के मैदान पर होने वाले इस मैच में दोनों टीमें 14 साल बाद आमने सामने होंगी। आखिरी बार दोनों टीमें लॉर्ड्स के मैदान पर 4 सितंबर 2004 को भिड़ी थी, तब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 10 रन से हराया था। युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, चोटिल सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के विकल्प के तौर पर इंग्लैंड जाएंगे। धवन इंग्लैंड में ही रहेंगे और BCCI की मेडिकल टीम की देखरेख में रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक BCCI ने ऋषभ पंत को पहले कह दिया कि वो इंग्लैंड जाने को तैयार रहे। BCCI ने हालांकि पंत के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि धवन 2 से 3 सप्ताह के अंदर चोट से उबर जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने कहा कि वर्ल्ड कप में हार्दिक हावी रहेंगे, वो अपने खेल से सबको पानी पिला सकते हैं। वॉ ने कहा कि हार्दिक की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की काबिलियत बिल्कुल क्रूजनर की तरह है, जो 1999 वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट के सबसे अच्छे खिलाड़ी थे। वॉ ने भारतीय विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी की भी जमकर तारीफ की। वॉ ने कहा धोनी के अंदर चतुराई और शानदार संतुलन है, जो उन्हें सफलता की ओर ले जाता है।
हार्दिक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में ओवल मैदान पर 27 गेंदों पर 48 रनों की तूफानी पारी खेली थी। हार्दिक की उस पारी को लेकर कौन ने कहा कि हार्दिक की वो पारी विपक्षी टीमों को डराई है। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के ट्विटर हैंडल को हैक करने के बाद हैकर्स ने अगला निशाना पाकिस्तानी सिंगर अदनान पर साधा। मंगलवार को अदनान सामी का अकाउंट भी हैक हो गया। अदनान का अकाउंट भी ठीक उसी तरह से हैक किया गया जैसे अमिताभ बच्चन का हैक किया गया। हैकर्स ने ट्विटर से अदनान की जगह पाक सीएम इमरान खान की फोटो लगा दी। संजू बाबा की अपकमिंग फिल्म सड़क 2 की शूटिंग शुरू हो चुके हैं। इस फिल्म को महेश भट्ट डायरेक्ट कर रहे हैं। संजय दत्त और महेश भट्ट लंबे समय बाद एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। समय शूटिंग के पहले दिन पुराने दिनों को याद कर दोनों भावुक हो गए। दोनों की बीती यादें ताजा हो गई। बता दें कि सड़क 2 साल 1991 में आई संजय दत्त और पूजा भट्ट के हिट फिल्म सड़क का सीक्वल है। महेश भट्ट 28 साल के बाद फिल्म के सीक्वल के साथ तैयार है। फिल्म में संजय दत्त और पूजा भट्ट के अलावा एक फ्रेश कपल भी लीड रोल में नजर आएगा। सड़क 2 में आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर भी अहम भूमिका में। सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टार वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स के दूसरे सीजन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खबर है कि जल्द इसका दूसरा सीजन रिलीज किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो सीरीज का दूसरा पार्ट अभी आया नहीं और इसके तीसरे पार्ट के ऑडिशन शुरू भी होने लगे हैं। तीसरे सीजन के लिए कलाकारों को कास्ट करने के लिए अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया कि सभी कलाकार मेरी जो फ्रेंड लिस्ट में हैं उस ऑडिशन स्कैम से सावधान रहें और दिखते ही नंबर ब्लॉक कर दीजिए। कलर्स के शो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के फैंस के लिए बुरी खबर है। खबर के शो के मेकर्स अगले महीने शो बंद कर सकते हैं। खबरों की माने तो शो की कम टीआरपी के चलते मेकर्स ने फैसला लिया है। पिछले कुछ महीनों से शो की टीआरपी में भारी गिरावट देखने को मिली जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि महज 6 महीने में ही शो ऑफ एयर हो जाएगा।